रविवार को देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरे देश भर में सुबह 1 घंटा साथ मिलकर सफाई अभियान चलाया गया। इसी कड़ी में वार्ड 30 की पार्षद सत्या देवी जायसवाल एवं चैम्बर भिलाई की टीम ने भी साथ मिलकर सफाई अभियान चलाया एवं सभी को स्वच्छता का संदेश दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वप्न स्वच्छ भारत को साकार करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छता से जुड़े कई अभियान वक वक पर चलाए जाते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक 1 घंटे पूरे देशवासियों द्वारा मिलजुल कर स्वच्छता अभियान चलाए जाने का आह्वान किया गया था, जिस पर अमल करते हुए नगरपालिक निगम भिलाई के वार्ड 30 की पार्षद सत्या देवी जायसवाल एवं भिलाई चैम्बर की टीम द्वारा मिलजुल कर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसके तहत पावर हाउस लिंक रोड मार्केट एवं सुभाष चौक से जलेबी चौक तक वृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। वार्ड पार्षद के नेतृत्व में निगम भिलाई की स्वच्छता टीम ने भी स्वच्छता मित्रों के साथ इस वृहद अभियान में अपनी अहम भूमिका निभाई। स्वच्छता मित्र द्वारा बताया गया कि वैसे तो प्रतिदिन वह शहर को स्वच्छ करने अपनी भागीदारी निभाते हैं, परंतु वार्ड परिषद के साथ इस सफाई अभियान में जुड़कर काफी अच्छा महसूस कर रही हैं। वार्ड 30 की पार्षद सत्या देवी जायसवाल ने इस वृहद स्वच्छता अभियान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया ग्रैंड एशियन न्यूज टीम को दी है। आज विशेष तो यही है भैया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सपना था कि स्वच्छ भारत बनाना, लेकिन नामुमकिन हुआ। उनके द्वारा जो मुहिम चलाने की कोशिश थी होती हुई नहीं दिखी, और हुआ कब, जब हमारे श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी जो हैं उनके द्वारा स्वच्छ मुहिम चलाया गया और ये काफ़ी सफल होते भी दिख रहा है और सफल हो रहा है। और सबसे पहली बात तो उन्होंने जो घर घर टॉयलेट बना करके दिया सभी महिलाओं को, और वो टॉयलेट बनाने के वजह से क्या होता है, आधी गंदगी तो वहीं साफ़ हो गई, और उसके अलावा स्वयं श्री प्रधानमंत्री जी जो हैं अपने हाथों में झाड़ू उठाई और वो स्वयं भी झाड़ू लगाने का कार्य किया। तो वो चीज़ें देख करके हम सब में भी प्रेरणा जागी और आज हम सभी महिलाओं को लेकर के मैं स्वयं भी अपने वार्ड में पूरे वार्ड में घूम कर सफाई की, झाड़ू लगाई, रोड में लगाया और क्या बोलते हैं मंदिरों में भी लगाया हम लोगों ने, चौक चौराहे, प्लस हम महिलाएं अपने घर को तो एकदम सजा सवार कर रखती ही हैं, लेकिन घर को सजाने तक के ही सीमित नहीं रहना चाहिए। हम महिलाओं को भी और सभी पुरुषों को भी बाहर निकल करके हमारी गलियों में और जो है नालियों में, चौराहों में, रोडों में जो कचरा रहता है वो सभी कचड़ों को साफ सफाई में हम सभी का योगदान होना चाहिए, जब जा कर के हमारा भारत जो है साफ सफाई एकदम सुंदर दिखेगा। अगर जब एक कोई सफाई करता है, चार लोग कचरा फैलाएंगे तो साफ कहाँ से होगा। तो इसलिए मैं आज अपने वार्ड वासियों से अपील करना चाहूँगी कि आप सभी भी हमारा सहयोग करें और सपोर्ट करें, हम सभी मिल करके अपने वार्ड को सुंदर, स्वच्छ और समृद्ध बनाएं। अच्छा लगा, हम लोग भी झाड़ू लगा के अच्छा लगा, साफ करता हम लोग भी, सुबह चौक तक, मंदिर तक, रोड तक, जिला भी अच्छा लगा। स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए स्वच्छता अपने घर से ही प्रारंभ करनी होगी, तत्पश्चात अपने आसपास स्वच्छता बनाकर दूसरों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करना होगा, तभी जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार किया जा सकेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।